बिहार चुनाव के प्रचार का शोर आज थम जाएगा पहले चरण के लिए और पहले फेज में 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं। वोटिंग 28 अक्टूबर को है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए प्रचार का शोर आज थम जाएगा। पहले फेज के लिए दिग्गज नेताओं और उम्मीदवारों ने जमकर पसीना बहाया और जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की है। पहले फेज में 1066 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 2,14,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे। वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है। बिहार में कुल 3 चरण में चुनाव हैं और 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा। बिहार में मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। आरजेडी पहली बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। चुनाव प्रचार थमने से पहले आज दिन भर ताबड़तोड़ रैलियों का कार्यक्रम है। पहले फेज में 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2,14,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के कद्दावर नेता माहौल बनाने के लिए आज भी मैदान में हैं। अब तक प्रचार के दौरान तेजस्वी नीतीश कुमार पर आक्रामक रहे हैं। अपनी रैलियों में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए लालू राज के 15 साल का हवाला देकर महागठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है। एलजेपी नेता चिराग पासवान खुलेआम एनडीए की बखिया उधेड़ रहे हैं। पहले चरण के प्रचार में जंगल राज बनाम सुशासन का मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन आरजेडी ने 1,00,000 नौकरी देने का पास का है। बिहार में बेरोजगारी, पलायन और कोरोना का मुद्दा चुनाव के समीकरण को बनाने या बिगाड़ने में अहम रोल अदा करेगा। लिहाजा तमाम पार्टियां एक दूसरे को इन्हीं मुद्दों पर घेरती नजर आ रही हैं। आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। बिहार की जनता को पहले चरण के मतदान का इंतजार है। पहले चरण का चुनाव बिहार का रुझान तय करेगा और ये भी तय करेगा कि आने वाले दिनों में बिहार के सिंहासन पर कौन बैठेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।